पुणे के कोर्ट स्टेशन के समीप संत कबीर नगर में गैस सिलेंडर से आग लग जाने के कारण 25 छात्रों का सामान पूरी तरह से जल गया। आग उस वक्त लगी जब छात्र खाना बना रहे थे, तभी लीकेज के कारण अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और गैस सिलेंडर के ब्लास्ट करने के कारण आग फैलती चली गई और लॉज के 25 छात्रों का सामान पूरी तरह से इस दरमियान जल गया। खबर फैलने के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया और तत्काल अग्निशमन दस्ते को सूचना भी दी गई। ये मतलब सिलेंडर फटने की आवाज़ बहुत जोरों की हुई। पहले तो आवाज़ हुई, जब हम लोगों ने देखा कि भाई कहाँ से क्या हो रही है तो धुआं उठते हुए आग का लपट उठते हुए देखा और देखने के बाद त्वरित मैंने इसकी सूचना दी गई कि इस मोहल्ले में ये बात है और आकर के त्वरित प्रशासन के लोगों ने आकर के और इस पर मैं नियंत्रण किया है। जान माल की नुकसान तो नहीं हुई है लेकिन सामानों की काफ़ी क्षति है और यह एक मैंने सबक है। अगर इससे सबक नहीं ली गई, ये लॉज अगर इस तरह से अनऑथराइज्ड वे में अनऑथराइज्ड सिलेंडर अगर ये इस्तेमाल होते रहेंगे तो ये भयावह नुकसान का कारण बनेगा और यह ऊपर वाले की कृपा है कि जान माल की आज नुकसान नहीं हुई। अतः दो सिलेंडर फटा है 3-4 मिनट के अंतर पर में और मैंने ये किसी भी सूरत में अवैध सिलेंडर का प्रयोग और ये अनऑथराइज्ड मतलब लॉज ये दोनों प्रतिबंधित मैंने पूर्णिया कमिश्नरी में निश्चित रूप से एक होना चाहिए। आग का जब धुआं हो रहा था तो हम लोग देखे एक सिलेंडर आवाज़ किया और उसके बाद हम लोग उधर से दौड़ के आए हैं। आग कैसे लगी इसकी पता नहीं है हमको। कितना घर जला है? घर तो देखिए रहे हैं, गिन लीजिए कितना घर जला है। लगभग 10 की संख्या में लगभग घर है, 10-15 की संख्या में।